आदिलशाह। हाँ ये तो आदिलशाह है, ये तो आदिलशाह है। यदि स्वराज के इस महासंग्राम में आप हमारे साथ हैं तो उठाइए तलवार और उतार दीजिए इस निशंस अत्याचारी के प्रतीक पर। हमें संतुष्टि हो जाएगी कि आप सब सचमुच हमारे साथ हैं। कुंडे देशमुख लीजिए। कह रहे हैं उठाइए तलवार और उतार दीजिए इसके सीने में। तुम सब उस लोग के हाथों में तलवार, तुम हमारे गुलाम थे, हमारे गुलाम हो, हमेशा हमारे गुलाम रहोगे। नहीं नहीं गाजी, ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। हम जानते थे आप में अभी भी इतना साहस नहीं है, परंतु जिस दिन आपके मन में सह्याद्री को स्वतंत्र कराने की भावना जाग जाए और स्वराज की अलख चल उठे, उस दिन हम आपका स्वागत करेंगे। हमें कोई दुख नहीं है कुंडे देशमुख, ये जरूरी नहीं सबके अंदर अपनी धरती मां को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों पर खेलने की आग भरी हो, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। हमें आपका सहयोग चाहिए, परंतु तभी
जब आप स्वयं अपनी इच्छा से स्वराज के इस उद्देश्य में हमारा साथ दें। राजे, हम अपनी धरती मां को स्वतंत्र कराकर ही रहेंगे। सोनोपन जी, यदि आप सब हमारे साथ हैं तो इस पर हस्ताक्षर कीजिए। जाने कब अक्कल आएगी इसे। सही को देखो, हमेशा शिवाजी के आसपास घूमती रहती है और ये है कि पापा
बाबा साहब आप गिर गए, आपको चोट तो नहीं आई ना? अरे हम पूछते हैं आपसे, क्या यही खेल मिला था आपको खेलने के लिए? अजी खेल तो इनके साथ खेला जा रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ सही बोल रहे हैं हम। वो सही भाई अभी भी शिवाजी राजे के मन मस्तिष्क पर छाई हुई है, और ये हमारी लाडली, इन्हें तो बस खेल कूद के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। कुछ भी हो, शिवाजी राजे के सर से सही भाई का भूत उतारना ही होगा। ये मियां रहीम का फरमान, आदिल शाह को जल्दी पहुंचाओ।